बागेश्वर में अवैध तरीके से अकाउंट से 8 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल मज्जा खेत निवासी मदन सिंह तगड़िया ने पुलिस को तहरीर देते हुए 8 लाख की धनराशि खाते से गुम होने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद बागेश्वर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर 2 टीमें गठित कर राजेंद्र नामक युवक को गिरफ्तार किया गया। वहीं आरोपी युवक ने लाखों की ट्रांजेक्शन के बाद स्कूटी, कैमरा, ड्रिल मशीन सहित कई सामानों की खरीदारी भी की है, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। फिलहाल आरोपी युवक के पास से पुलिस ने 18,000 की नकदी बरामद कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरी फैमिली जो है वहाँ दिल्ली गई थी, मेरा लड़का चंडीगढ़ उसमें होटल में काम करता था, इसी ड्यूरेशन में अकेला था। जब 8 बजे 9 बजे ब्रेकफास्ट करके जब आता था, तो उस ड्यूरेशन में कार्रवाई कर रहा होगा मेरे ख्याल से। मेरा मोबाइल जो है वहाँ था, एटीएम घर के अंदर उसमें था। अब ये मुझे पता नहीं चला, क्योंकि मैं ये नॉर्मल जो है पुराना वो टाइप से पुराने विचार वाला हूँ, मेरी 65 साल उम्र है, मैं उसमें भी रहा, तो ये इन चीज़ों से मेरा अनुभव नहीं था। और इसी ड्यूरेशन में मेरी फैमिली दिल्ली से आई, जनवरी उतराने के टाइम पर मेरा लड़का मार्च में आया, और ये कार्रवाई इसने जो है 2 जनवरी 2020 से जो है शुरू कर दी, और मेरा मोबाइल हैक कर दिया होगा, और जो है एटीएम वो करके इसी ड्यूरेशन में जब ओटी मेरे उसमें आया नहीं, क्योंकि ओटी इसके माध्यम से अब इतना हम जानते नहीं हैं। और इस ड्यूरेशन में मैं सबसे ज़्यादा आभार हमारे एसपी साहब जो मैडम थी, और हमारे अभी प्रेजेंट एसपी साहब, हमारे एसएचओ साहब, और हमारे थानेदार, और हमें डीएम साहब को भी इन्फॉर्म किया, सभी जो है संस्था ने, इवन मीडिया वालों का मैं इतना शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने आज कटरे से दूर निकाला है, और मैं मृत्यु तक अपने जीवन तक शो भूलूंगा नहीं। बाकी क्या कहूँ, जो भी इसने शॉपिंग कर रखी है, ये सामान मेरे मतलब का है नहीं, तो इससे जो इसका जो है वो करके रिकवरी मेरी फैमिली कह रही है। मेरा बच्चा बेरोजगार है, मैंने उसी के लिए पैसा जोड़ा था, मुझे पैसा मिलना चाहिए। इवन इसमें जो एक आध आइटम ले सकता हूँ मैं, कॉस्टली स्कूटर है, कोई नहीं, मेरे पास सब भगवान ने सब दे रखा है, इवन जो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा उसको। बिना उनकी सहमति के, बिना उनकी जानकारी के निकाल लिए गए, इस पर जाँच हुई, जिसमें क्षेत्राधिकारी कपकोट और एसओजी की टीम के द्वारा इसमें बड़ी गहनता से जांच की गई, जिसमें पता चला कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुआ है इसमें, और उस ट्रांजेक्शन में कई अकाउंट ऐसे हैं जो लोकल हैं, बागेश्वर के हैं। उस पर जब गहनता से जांच की गई तो पता चला कि इन्हीं का एक रिश्तेदार, इन्हीं का भांजा इसमें इन्वॉल्व है, और उसने ही ये सारे पैसे निकाले हैं। उसका नाम राजेंद्र सिंह है, उसे बुलाया गया, उससे पूछताछ की गई, पूछताछ में उसने सारी चीज़ें कबूल की कि ये चूँकि इसके फूफा जी एटीएम और अकाउंट और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बहुत जानकारी नहीं रखते थे, इसने अपना एक अमेजन में अकाउंट खोला और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करके बहुत सारे सामान खरीदे, और अपने अकाउंट में भी इसने पैसे ट्रांसफ़र किए।